मेरे पास कैश भी खत्म हो गया है। ये हैं हमारे स्वागत के लिए। देखिए सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ सहेलियों की वाड़ी। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है ऐसे बोल रहे हैं। इसको देखने के लिए मैं अंदर एंटर कर रही हूँ। यहाँ से टिकट काउंटर टिकट लूँगी। टिकट कितनी है वो भी पता करना पड़ेगा। अभी मेरे पास कैश भी ख़त्म हो गया है और रास्ते में मुझे कोई एटीएम भी नहीं दिखी है। देखते हैं अगर कार्ड पेमेंट या फिर हाँ शायद कार्ड पेमेंट है। सो भी पता करते हैं कितनी की है ये टिकट। यहाँ की टिकट कम ही है। मैं दिखा विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी जो इंडियन हैं उनके लिए 20 रुपीज़ है। तो मैं भी यहाँ से टिकट लूँगी फिर अंदर एंटर करूँगी। पहले मैं टिकट ले लेती हूँ। ठीक है मैंने टिकट ले ली है। 20 रुपये की टिकट थी। अभी मैं अंदर जा रही हूँ। देखते हैं अंदर क्या क्या है देखने वाली चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैं आ गई हूँ अंदर। एंटर कर लिया मैंने सहेलियों की वाड़ी। तो अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा करके दिखाती हूँ, सॉरी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, सामने का व्यू दिखाती हूँ। ऐसा दिखता है। ये छोटे छोटे फाउंटेन लगे हुए हैं, छोटे छोटे। तो सब अटक जाएगी आगे क्या करना। ये जो गार्डन है इसमें मेनली 5 फाउंटेन है। 5 फाउंटेन का अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग हिस्ट्री है। ये इसका सबसे पहला फाउंटेन है, इसको बोलते हैं वेलकम फाउंटेन। इसको पहले बंद रखा जाता था, पर जैसे राजा और रानी आते थे बीच से ठंडे होते थे तो उनके स्वागत के लिए एकदम से इसीलिए हमने। हाँ ये हमारे स्वागत के लिए जो छोटे छोटे फाउंटेन चल रहे हैं ना वो हमारे स्वागत के लिए हैं। ये देखिए सामने मैं दिखाती हूँ, छोटे छोटे ही हैं लेकिन अच्छा लगा। देखिए छोटे छोटे से सामने देखिए जी। ये देखिए सामने गेट है, पुराना गेट ही है लकड़ी का, वही लंबे चौड़े बड़े बड़े दरवाजे। यहाँ पे लोग काफ़ी आए हुए हैं। ये सामने भी एक फाउंटेन है, काफी अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसा दिख रहा है, सुंदर है। इसके चारों ओर राउंड मैं घूमती हूँ, राउंड राउंड चारों तरफ से। देखिए सुंदर लग रहा है। ये है सहेलियों की वाड़ी, सहेलियों की वाड़ी 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 पता नहीं क्या नाम है। देखिए सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए अच्छा लग रहा है। ये तो चल रही थी। ये सभी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ पहली बार आए हो क्या? यही एरिया क्या सिर्फ सहेलियों का एरिया? अच्छा अच्छा ये सभी लोग यहाँ पे ऐसे घूमने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप सर? दिल्ली से। आप कहाँ से आए हो? अच्छा गुजरात अहमदाबाद। अच्छा अहमदाबाद से आए हो आप। ये अहमदाबाद से आए हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे भी। अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये देखिए पीछे ऐसे छोटे छोटे बने हैं दरवाजे टाइप, हट टाइप तो क्या बोलते हैं पता नहीं, पुराने ही बने हुए हैं ये। अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं। तो एक सेल्फ़ी मैं भी ले लेती हूँ।
आगे अभी यहाँ पे जो है वो अंदर तो छोटा सा ही थी जगह, छोटी सी जगह था, सिर्फ एक फाउंटेन था शायद, यहाँ पे वो रानी जो थी वो शावर लेती थी, नहाती थी, स्नान करती थी, उसका स्नान घर था, वही खुला पूल था, उसमें वो फूल वगैरह डाल के स्नान करती थी, जो वो फूल जो उसकी परफ्यूम के तौर पे यूज़ करते थे पहले। और यहाँ पे आसपास जो है ना, उसके आसपास जो है गार्डन है, गार्डन में आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, गार्डन अच्छा है, मेंटेन किया हुआ है, ये देखिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं गार्डन में। ये सहेलियों की बारी, उसके चारों तरफ का गार्डन है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई देखिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। सभी अपना अपना बिजी हैं अपनी फैमिली के साथ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं करने की कोशिश ही नहीं करी मैंने। मैं निकल जाऊँ क्या? दूसरे गार्डन में चलते हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, घूम के लोग यहाँ पे बैठ लेते हैं, थोड़ा सा धूप तेज़ है। ये देखिए गार्डन है, यहाँ पे फाउंटेन ही हैं ज़्यादा, और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सारी चीज़ें बस लेक के पास पास ही हैं। देखिए मैं घूम के आपको दिखाती हूँ लेक, और सॉरी फाउंटेन है ये भी छोटा सा। अच्छा लग रहा है, सुंदर है, पानी एकदम क्लियर है। ये छोटे छोटे जो फाउंटेन है वो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हमारे स्वागत के लिए लगाए गए हैं। इधर भी हैं लोग काफ़ी जो यहाँ पे घूमने ही आए होंगे सभी लोग। हाय गर्ल्स, आप लोग घूमने आए हो यहाँ पे? कहाँ से आए हो आप? आगरा से। आगरा भी बहुत अच्छी सिटी है। और कितने दिनों के लिए आए यहाँ पे? हम तीन दिन के लिए, मैं भी 3 दिन के लिए आई हूँ। तो आज आपका कौन सा डे चल रहा है? सेकंड डे, अभी आप एक दिन और इन्जॉय कर पा कर सकते हो। तो कौन कौन सी जगह आपने देख लिया? अभी हम करनी माता गए थे लास्ट कल, और हम सिटी पैलेस गए थे। हाँ वो बहुत अच्छी जगह थे, सिटी पैलेस, वो अंदर गए थे आप? हाँ उदयपुर बेसिकली, बहुत अच्छा, सारा ही उदयपुर, उदयपुर पूरा ही बहुत सुंदर है। यहाँ पे लेक है जो इतनी सुंदर है, तो आप एक बार आप बता दो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी लोग भी आइए यहाँ पे घूमने के लिए। बाय गर्ल्स। तो ये यहाँ पे गर्ल्स खड़ी थी ब्यूटीफुल सी, और ये आगरा से आई थी यहाँ पे घूमने के लिए, वो भी बोल रही थी कि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो अभी बस यहाँ पे गार्डन ही है और कुछ नहीं है, उसके चारों तरफ का मैं थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश करती हूँ बाहर बाहर का। भैया को बोलना फव्वारा तेज करें, बहुत अच्छा है। क्या वहाँ कॉर्नर पे भैया बैठे ना? हाँ उनको बोलना फव्वारा और ऊपर करें, बहुत तेज ऊपर होगा। अच्छा ऊपर कर देते हैं बोलने से। अच्छा और यहाँ पे भी ये देखो, ये भी फाउंटेन है, फव्वारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बोलते हैं कि जब तेज़ हो जाता है तो और भी अच्छा लगता है, ये पूरे ऊपर उठ जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो मेन है ना वो यही है, फाउंटेन, छोटे 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 फाउंटेन पार्क बने हुए, छोटे छोटे ये बीच में शायद कमल लगे हुए हैं, कमल जब खिलते हैं तो कहते बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसका मैं एक चक्कर लगा लेती हूँ तो अच्छा लगता है। यहाँ पे कहाँ बोल रहे थे कि भैया कोई बैठे हुए थे, वो पता नहीं कहाँ पे है, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ वो सामने एक भैया बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको थोड़ा सा तेज़ करें। ये फाउंटेन ये थोड़ा तेज़ करना, ये थोड़ा तेज़ करना भैया, मुझे कैमरे में फ़ोटो लेनी है प्लीज़। हो गया कहाँ हुआ?
हुआ भैया, तेज भैया तेज नहीं हुआ आपको जैसे है? क्या है? करो भैया तेज, नहीं आपका सिस्टम मुझे लगता खराब हो गया है, सिस्टम खराब हो गया ना। इसकी बेचारी की इसके चार्ज कम थे ना, 20 रुपीज थे सिर्फ, तो इसलिए इसका सिस्टम खराब है, बेचारे अच्छे से नहीं मेंटेनेंस कर पा रहे हैं, लेकिन लेकिन अच्छी जगह है। ये हो गए थोड़े थोड़े से तेज हुए, ज़्यादा नहीं हुए, थोड़े से, लेकिन पता नहीं क्यों हो नहीं रहे उनका सिस्टम, जो जो वो घुमाते हैं तो वो अच्छा होता है। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मुझे सबसे सुंदर लगा, क्योंकि बीच बीच में वो कमल कमल तो नहीं खिले हैं अभी, वो जो ग्रीन ग्रीन जो कमल के पत्ते होते हैं वो अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ का वेदर और दिल्ली का वेदर बहुत डिफरेंस है, यहाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। तो कितने दिन हो गए आप लोगों को आए हुए? दो दिन हो गए। अच्छा अच्छा, कितने दिन रुक रहे हो? अच्छा लास्ट डे है, चलो इन्जॉय करो। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट सबको अच्छा लग रहा है। लेक सिटी देख, सामने ना दरवाजे हैं, ये सामने फाउंटेन जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके ऊपर ये ना ऐसी पुरानी वही खिड़कियाँ बनी हुई हैं, देखो ये कैमरा बस है, देखिए यहाँ पे खड़ी होकर सहेलियाँ सखियाँ वो यहाँ पे इंजॉय करती होंगी, फाउंटेन को देखती होंगी। मैं अपनी तरफ से ही बोल रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो ये थी सहेलियों की बारी, अभी मैं मुझे लगता कि ये मैंने सारा कर लिया है कवर, बस इतना सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और यहाँ पे देखिए पेड़ है, मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे आपस में अपने आप में ही उलझा हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, है ना? मुझे तो बहुत सुंदर लगा। यहाँ पे भी अभी मेरे पास कोई भी नहीं, जो थे वो चले गए हैं, यहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच सकती मैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो अभी शायद अभी मुझे लगता है मैंने सारा कवर कर लिया है, बाहर ही निकलना है। फिर भी जाते जाते अगर कुछ चीज़ दिखती है ऐसे देखने वाली, कैप्चर करने वाली, तो मैं उसको ज़रूर कैप्चर करूँगी। हेलो, आप तीनों ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है लगभग, है ना? अच्छी लग रही है, आप तो लोकल लग रहे हैं मुझे यहाँ के। बाहर से आए हो? अभी बाहर से आए हो? अच्छा अच्छा ठीक है, बाय। फिर से पेड़ आ गया ऐसे वाला, आपस में ही उलझे हुए हैं देखो। हाँ जी, हाँ जी, ले लो। आप कहाँ से आए हो? राजस्थान। अच्छा राजस्थान से आए हो, राजस्थान कहाँ से? आबलोट। अच्छा अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हो? आज ही आए। अच्छा आज ही आए हो, आज पहले यहाँ पे आए हो घूमने के लिए? हाँ। और बहुत सारी जगह है यहाँ पे, वो सिटी पैलेस साइड, हाँ। वहाँ पे भी जाना, बहुत सिटी पैलेस उस साइड तो बेस्ट है, आपका पूरा दिन आने का मन ही नहीं करेगा उस साइड से, आप उधर भी जरूर जाना, ठीक है? आपकी क्या आईडिया? हाँ, यूट्यूब पे क्या आईडिया? ट्रैवलिंग हाइट्स। हाँ, सो एक बार ये बाय तो कर दो, ठीक है? अभी बाय करो, बाय। और बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू। बस मैंने ये वाला एरिया भी कवर कर लिया है, अब मैं यहाँ से भी बाहर निकल रही हूँ। और मज़ा आया यहाँ पे भी आके, लोगों से मिलके, उनसे बात करके, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है उनसे मिलके भी। तो अभी मैं बाहर निकल रही हूँ, ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी। फिर भी जाते जाते अगर रास्ते में कुछ आ जाएगा तो मैं उसको कैप्चर ज़रूर करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये सामने देखिए, ये कुछ तितली बनी हुई है, क्या बना हुआ है ये देखिए, अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लगा, उसे तो कैप्चर ही नहीं होता। मैं फ्रंट कैमरा करके दिखाती हूँ आपको।